असल में कम, अगर आप भी गूगल एडसेंस से पैसे कमाना चाहते हैं वो भी बगैर किसी वेबसाइट के, तो आज की सुबह मैं आपको सारा प्रोसेस जो है वो बताता हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ये वाला सही है, एडसेंस अप्रूवल। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से आप हाई लिंक से पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे जो आपके सामने $6 है ना, ये सिर्फ 3 दिन की है, सही, यानी कि 3 दिन के अंदर यहाँ पे $6 जो है वो यहाँ पे बन चुके हैं। अब यहाँ पे मैं आपको आगे जाके ट्रैफिक का भी बताता हूँ कि आपने इसमें ट्रैफिक जो है किस तरह से यहाँ पे आपने लाना है। सबसे पहले यहाँ पे सेट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब सेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक ब्लॉगर वेबसाइट है, अभी तक यहाँ पे अप्रूव नहीं है। उसके बाद यहाँ पे यूफान का वेबसाइट भी यहाँ पे अटैच है। अब यहाँ पे ये अर्निंग जो है हाई लिंक की है, सही है, हाई लिंक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपना वेबसाइट जो है वो ओपन कर दिया, हाई लिंक वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ एनालिटिक्स में, वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह से मैंने बनाया था और इस पे ऐड जो है वो भी लगे हुए हैं, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 व्यूज़ और 10 विजिटर है न्यू। उसके बाद ये क्लिक्स हैं, ये सारा एनालिटिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसका लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि इसमें ऐड जो है वो शो होते हैं या नहीं। यहाँ पे इसका लिंक मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, रन के बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप गूगल पब्लिशर आईडी जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और नीचे यहाँ पे रेडी है, और ये सारे ऐड जो है वो यहाँ पे मैंने अप्लाई किए हुए, तो इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ एक नए टैब में, इसको मैं यहाँ पे तो जिसका पे देख सकते हैं ये सारे ऐड जो है वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, सही है। ये वाला वेबसाइट है जो आप यहाँ पे आपके सामने है, तो इस तरह से आपने काम करना है। और इस पे आपने विजिटर किस तरह से लेना है, जैसे ही आपकी वेबसाइट पे विजिटर आएगा तभी जाके आपको अर्निंग होगी। तो विजिटर का भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखी तो मैंने कंप्लीट जो है वो आपको गाइड किया हुआ है कि आप किस तरह से इसको मतलब फुली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी हाई लिंक वेबसाइट को। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि आपने इस पर काम किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने इस तरह से अपना वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करना है। उसको करने के बाद यहाँ पे आपने अपना लिंक जो है वो आपने ऐसे कॉपी करना है। ये लिंक मैंने ऐसे कॉपी कर दिया। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं नोट पैड पर आके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको पेस्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने एक वेबसाइट जो है वो सर्च करना है मीडियम। उसके बाद यहाँ पे मीडियम जो है वो ओपन किया जाएगा। इन दो वेबसाइट से आपने ट्रैफिक लेना है, सही है। सबसे पहले इसको मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और वेबसाइट है जिसका नाम है क्यूब, इसको भी मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपने इसमें काम किस तरह से करना है और अपनी वेबसाइट पे विजिटर जो है वो किस तरह से लेना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर, उसको लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपने राइट बटन पर क्लिक करना है। आप राइट पर क्लिक करने के बाद आप ChatGPT से अपना आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं जो ट्रेंडिंग में हो और ज़्यादातर लोग जो है वो सर्च करते रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं ओशियन गेट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल, सही है, तो आप इसी को टारगेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सही है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ChatGPT को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है राइट आर्टिकल। उसको लिखने के बाद आपने वही लिंक पेस्ट करना है। उसके बाद आपने इसको ऐसे इंटर दबाना है, आर्टिकल जो है वो कॉपी करना है, जिसके इसको मैं इतना ही कॉपी कर लेता हूँ। आपने फुल कॉपी नहीं करना, सही है, इसको इतना ही कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है मीडियम पे। मीडियम पे आने के बाद इसको यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। अब इसको पेस्ट करने के बाद इसका टाइटल जो है वो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको ही मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और टाइटल की जगह पे अपने पेस्ट करने हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपने यहाँ पे जो ओशन गेट लिखा है ना, यहाँ पे आपने अपना लिंक लगाना है, ये वाला लिंक, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसको आपने इस तरह से मार्क करना है, सही है। मार्क करने के बाद यहाँ पे आपने लिंक पे क्लिक करना है और वही लिंक आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करके यहाँ से आपने इसको छोड़ देना है, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है रीड मोर। रेड मोड लिखने के बाद यहाँ पे आपने दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि उसको आपने ऐसे हाईलाइट करना है और वही लिंक आपने पेस्ट करना है।
इसको भी ये दो लिंक आपका बन जाएगा। सही है, दोबारा से इंटर कर लेते हैं और वही लिंक आपने यहाँ पे भी पेस्ट करना है। इसको पेस्ट करने के बाद सिंपल से आपने इसको ऐसे पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, इस टाइटल को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। उसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप कीवर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इमेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, जिसके इसको मैं यहाँ पे यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे पब्लिश नाउ के बटन पे क्लिक करना है, आपका इमेज यहाँ पे आ जाएगा। इसी टाइटल को दोबारा से ऐसे कॉपी कर लेते हैं, तो आपका ये जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। सही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने तीन लिंक्स लगाए हैं। सही है, एक लिंक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है रेड मोर की जगह, और एक ये डायरेक्ट लिंक है। सही है, या से किसी न किसी एक जगह पे कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे जो है वो विजिट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वेबसाइट जो है वो ये है। सही है, इसकी व्यूज़ जो है वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने कल ही अकाउंट बनाया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कल ही अकाउंट बनाया था। सही है, और इसका व्यूज़ जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 1000 के करीब इसकी व्यूज़ है। यहाँ पे मैं आपको अपना अकाउंट जो है वो भी दिखा देता हूँ। इस पे आप अपने अपना अकाउंट जो है वो बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद आपने जो है यहाँ पे वीडियो ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 व्यूज, 10 व्यूज, मतलब इस पे व्यूज जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप वेबसाइट का डोमेन नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। सही है, इसी वेबसाइट पे आपने आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्रिएट का बटन देखने को मिलेगा। सिंपल से आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। अब क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस जो है ओपन किया आ जाएगा। आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने डायरेक्ट किसी भी वीडियो का लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, जिसकी इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वीडियो ऐसा ही है। इसका टाइटल मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने आना है इस वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। सही, आपका वीडियो यहाँ पे रेडी होके आ जाएगा। थोड़ा सा पे लोडिंग लेगा। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। सही है, यहाँ से आप अपनी वीडियो को कट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना लिंक जो है वो लगा सकते हैं। ये है टैग्स का जगह, लेकिन आप लिंक भी लगा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैं यहाँ पे टैग्स यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपने अपना कैटेगरी जो है वो चूज़ करना है। तो मैं ऐसे नेचुरल ट्रैवल कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसको ऐसे पब्लिश करना है, तो आपका वीडियो जो है वो यहाँ पे पब्लिश होकर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने यहाँ पे अपना लिंक किस तरह से लगाना है। इस लिंक को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने अपने प्रोफाइल पे ये वाला लिंक जो है वो लगाना है। सही है, जैसे ही वहाँ से ट्रैफिक आएगा तो आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जिसके यहाँ पर मैंने लिखा है फुल वीडियो लिंक। उसके बाद आपने इसको ऐसे सेव करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकते हैं। इस तरह से हम अपना काम जो है वो कर सकते हैं और अपना ट्रैफिक जो है वो बढ़ा सकते हैं। वीडियो पसंद की जरूरत में से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।